देखिएगा साथियों, हम लोग आज चार बात पर चर्चा करेंगे। आज पेपर में न्यूज आया है। क्या न्यूज आया है साथियों? कि जो न्यूज आया है, आप सब जान रहे हैं बीएड वालों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। हम लोग आज चार बातों पर चर्चा करेंगे। बीएड वाले अभ्यर्थियों से नाइंसाफी कब तक, के वी एस का रिजल्ट इसी महीने के अंत तक, के वी एस में बीएड वालों को बाहर करके मेघा सूची तैयार की जा रही है, बीपीएससी पीआरटी का क्या। देखिएगा साथियों, आप जान रहे हैं कि के वी एस का रिजल्ट इसी माह के अंत में आने वाला है, और जहां तक जानकारी मिली है और जहां तक जानकारी का 100% सियोरिटी ये मिली है साथियों कि बीएड वालों को के वी एस पीआरटी से बाहर करके मेरिट बनाया जा रहा है। के वी एस पीआरटी से आप जानते हैं साथियों, जो यहाँ के वी एस में किया जाएगा वही बीपीएससी में भी किया जाएगा, बीपीएससी पीआरटी में भी किया जाएगा। हालांकि आगे आने वाले 7 दिन के अंदर में मामला पूरी तरह से क्लियर होने की उम्मीद है। 6 से 7 दिन में बीपीएससी पीआरटी में बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं, या फिर डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, आप 7 दिन तक वेट कर लेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथियों, आप ये अंदाजा लगाइए कि जब के वी एस में बीएड को बाहर करके मेरिट बनाया जा रहा है, तो आप जान रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीएससी पीआरटी पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। देखिएगा साथियों, के वी एस का रिजल्ट इसी महीने के अंत तक, ये सियोर है साथियों कि के वी एस का रिजल्ट इसी महीने के अंत में आने की उम्मीद है। हम लोग भी के वी एस का एग्जाम जो है कि अटेंड किए हैं साथियों, और उसमें रिजल्ट बने ना बने ये अलग बात है, ये मैटर नहीं करता है साथियों कि रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा। एग्जाम अच्छा गया है, ऊपर वाले जाने रिजल्ट का क्या होगा। लेकिन साथियों, जहां तक जानकारी मिली है कि के वी एस से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि साथियों, इसका अच्छा खासा असर अपने बीपीएससी बिहार पीआरटी वाले पे देखा जाएगा, बिहार प्राइमरी बहाली पर साथियों हम लोगों का अच्छा खासा असर देखा जाएगा। हम लोग ये देखिएगा, बीएड वाले अभ्यर्थियों से नाइंसाफी कब तक, इस पे यदि चर्चा कीजिएगा साथियों। सबसे पहले आप जानते हैं जिन जिन लोगों ने साथियों 2023, आप जानते हैं 10 अप्रैल 2023 को बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के हाथों में सौंप दी गई। किसके हाथों में साथियों? बीपीएससी के हाथों में। हम लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन साथियों, नियम लाने का एक तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए? ये तरीका होना चाहिए कि जैसे इसके पहले जो भी बीएड किए थे, इसके पहले या 7वां चरण से पहले जिन जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, उनको केवल सीटेट माध्यम से हुई है, सीटेट या बीटेट या एसटीईटी या टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसको नियुक्ति पत्र मिली है। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, अन्य अभ्यर्थियों का भी कहने का मतलब यही है साथियों, कि यदि आप कोई भी नया नियम ला रहे हैं तो वो किन के लिए होना चाहिए? वो होना चाहिए साथियों आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि आप यदि 2018 में बीएड किए हैं, 2019 में बीएड किए हैं, 2020 में बीएड किए हैं, तो आप ये समझ के बीएड किए थे कि हम बीएड कर लेंगे, उसके बाद साथियों आपकी नौकरी लग जाएगी सीटेट बीटेट एसटेट क्वालिफाई होने के बाद, ये सोच के हम लोग बीएड किए थे और अचानक से बीपीएससी लगा दिया गया। हालांकि हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं, ठीक, मेहनत जारी है साथियों, और एक दिन मेहनत रंग लाएगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये सही है कि आप अचानक कोई नियम लाइएगा? आज अचानक नियम ला दीजिए कि अब अपने यहाँ मैट्रिक का जो एग्जाम होगा वो यूपीएससी क्लियर कराएगी, और आपको यदि नियम लाना है तो आप जो है कि नेक्स्ट सेशन से लाइएगा कि हाँ जनवरी से जो भी 10वां का सेशन स्टार्ट होगा, हालांकि यहाँ मई में स्टार्ट होता है। तो साथियों, आप जो भी नियम लाइएगा आगे आने वाले सेशन के लिए, कि आगे आने वाले सेशन को उस नियम को फॉलो करना होगा, उस नियम से गुजरना होगा, ताकि आप जो भी अभ्यर्थी 10वां का तैयारी करेंगे उसको यूपीएससी से एग्जाम देना होगा। लेकिन अभी इस बार जैसे फॉर्म भरा रहा है 10th का, आप जानते हैं 10th का, इंटर का अपने यहाँ फॉर्म भरा रहा है, आप यदि 10th के फॉर्म भरने के बाद ये नियम लगा दीजिएगा कि अब आपका एग्जाम बीएससी भी नहीं यूपीएससी लेगी, तो बोलिए साथियों, क्या स्टूडेंट का तैयारी उस स्तर का है? बिल्कुल नहीं है। तो नियम लगाने का यही तरीका है साथियों, कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि अब जैसे 2023 में नियम आया 10 अप्रैल 2023 को,
तो इसमें ये मेंशन कर दिया जाना चाहिए, ये मेंशन किया जाना चाहिए कि अब इसके बाद जो भी अभ्यर्थी बीएड करेंगे उसको बीपीएससी से गुजरना होगा, ताकि इसके बाद जो भी एडमिशन लेते हैं वो पहले से ही श्योर रहते हैं। क्या श्योर रहते हैं? अब हमको बीपीएससी से गुजरना होगा, सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड करके हमको क्या करना होगा, बीपीएससी का तैयारी करना होगा। लेकिन इसके पहले जो भी किए थे वो तो उसके दिमाग में बीपीएससी नहीं चल रहा था। तो आपका भी क्या राय है साथियों इस बात पर, आप भी अपना राय बताइएगा। मेरा तो यही राय है कि जब भी आपको कोई नियम बनाना है तो आप ये लेकर के नियम बनाइए कि आपके पीछे क्या हुआ है, पीछे वाले अभ्यर्थियों के साथ वही करें जो प्रेजेंट में नियम बना है। जो भी नया नियम बना है, जो भी नया नियम बना है उसे न्यू स्टूडेंट पर लागू करवाएं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया हम लोगों ने सम्मान किया, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, और साथियों साथियों उसमें भी हम लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिकता का मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि डीएलएड वालों से ज़्यादा हम लोगों का वैल्यू दीजिए, नहीं, आप वैल्यू उनका ही दीजिए, लेकिन हम लोगों को भी साथ में रखिए। और जो डीएलएड अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे भी अनुरोध है कि हम लोगों का भी साथ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं साथियों, आप जानते हैं कि ये जो बहाली आई है बीएड और डीएलएड सारे अभ्यर्थियों के एक साथ आने से बहाली आई है साथियों। आप भी अपना राय बताएंगे, ठीक, कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।